नमस्कार दोस्तों, जय श्री ब्रह्मदेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप सभी का पूरा इतिहास बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह शून्य अंतराल में स्वयं ब्रह्मा का कलम आपकी किस्मत पर चल चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जुनकाल में अनेकों प्रकार के नए नए बदलाव यह समय आने वाले हैं। एक प्रकार से कहें कि दोस्तों स्वयं ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से यह समय आपका नया इतिहास बनने वाले हैं। और यह समय आपके जुनकाल में जो जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों, आप सभी के होश उड़ा देंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से इन 15 दिनों के अंदर ग्रहों की जो स्थिति होने वाली है काफी अकल्पनीय होगी, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर एक मौके में आपको ऐसा संकेत मिलेगा कि आप चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। जो कार्यों को आप नहीं भी करना चाहेंगे दोस्तों, यश मंत्राल में आप वह कार्य को करेंगे और बहुत ही जबरदस्त लाभ यश में आप अपने हाथ ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से अत्रुद ग्रह भी यश में शुभ स्थिति में आने वाले हैं और आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, बशर्ते दोस्तों अब आप सभी को भी अपने जुनकाल में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी दोस्तों, आने वाले 15 दिनों तक भगवान ब्रह्मदेव के कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण सावधानियां आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है, घर के माहौल में, पारिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में जो भी ग्रहों की बदलती चाल होगी इनके अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को आपके जीवन की एक ऐसी सीख के बारे में बात करेंगे, जिन्हें दोस्तों आप सुन लेंगे, जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जुनकाल में कभी भी चिंता नहीं करेंगे, कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, ना ही किसी की समस्याएं अपने ऊपर लेंगे। यूँ कहें तो दोस्तों हमेशा टेंशन फ्री जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा। जो दोस्तों उससे पहले दोस्तों, जो भी ब्रह्मदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय ब्रह्मदेवता जरूर लिखिएगा। भगवान ब्रह्मदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बरसेगी, सारी समस्याएं खत्म होंगी, जुनकाल में खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान ब्रह्मदेव के, भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे ज्ञान के बारे में, एक ऐसे आपके जीवन की सीख के बारे में जो कि दोस्तों आप सभी के पूरे जीवन को बदल देगा। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। दोस्तों एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपना महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत ही सेवा की। राजा की सेवा से संत प्रसन्न हुआ तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और ताबीज से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है जिसे पढ़ लेना, लेकिन इसे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा बताए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं ने राजा की सेना को हरा दी। राजा ने अपने प्राण बचाकर जंगल की ओर भाग गया। वो दोस्तों छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर राजा को लगा कि मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदम की आवाज आने बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुंचा और उसके प्राण बच गए। जी हां दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि दिन अच्छे हो या फिर बुरे हमेशा नहीं रहते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय बदलता रहता है। बुरा वक्त हो तो सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। जी हां दोस्तों,
तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से जो ग्रहों की शुभ स्थिति बनने वाली है, आने वाले 15 दिनों तक 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपके लव लाइफ, आपके घर की माहौल, स्वास्थ्य, करियर सभी में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में अपना कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना का प्रारूप बनाना आपको कार्यों में गलती होने से बचाएगा। किसी प्रिय व्यक्ति की आपको मदद करनी पड़ सकती है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा करने से आपको मानसिक और फिर आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। किसी नए काम की पहली कमाई आने की संभावना भी यश में बन रही है। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मामा पक्षों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। ये जो समय है आपके लिए, आपका अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा और दोस्तों परंतु उसका कोई भी लाभदायक नतीजा आपके सामने यशमय नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आर्थिक स्थिति कुछ मंदी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपको बता दें, यह समय आप जो है महत्वपूर्ण संबंधी कोई भी सकारात्मक बात आपको इसमें पता भी चल सकती है, जिस बात के बारे में आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे दोस्तों उसी से संबंधित प्रगति इसमें आपको नजर भी आएगी। आपको बता दें कि परिवार से दूर रहने वाला व्यक्ति घर लौटने की कोशिश कर सकता है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा आपको कोई अच्छी खबर यश में मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत आप महसूस करेंगे तथा घर परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य भी यश में बना रहेगा। दोस्तों कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको इससे नई ऊर्जा की अनुभूति भी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें गुणात्मक और रचनात्मक संबंधी कार्य में आपका विशेष यश में रुझान बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने विचारों में लचीलापन रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी बात पर जिद करने या फिर अड़ जाने से आपके काम खराब हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बात के यश में आपको अति ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श करना आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है। दोस्तों यश में संतान की गतिविधियों पर आपको नजर रखना अति आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुन होगी, आपको बता दें कि दोस्तों आपके प्रयत्न की यश की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यश में सकारात्मक फल देने वाला समय होगा। दोस्तों सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भी काम से संबंधित कोई अच्छा खबर भी, अच्छा सूचना भी यश में मिल सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सुन होंगे, आपको बता दें कि शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण कामों से जुड़ी सभी योजनाएं बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो समय होंगे आपके लिए उतना आपके पक्ष में नहीं होंगे, उतना आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे जितना आप परिश्रम करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके कार्य स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर बहुत ही आत्मविश्वास को इसमें महसूस करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपकी करियर की, तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा बदलाव भी आने की संभावना बन रही है। पब्लिक रिलेशन रखने वालों के लिए बहुत अच्छा खबर इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों व्यवसाय संबंधी नए स्रोत भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो लोग हैं आपके संपर्क में रहेंगे और नौकरी में किसी प्रकार की तरक्की भी इसमें आपको दिलाने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम से संबंधित कोई नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, खासकर अपने कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों तथा काम की क्वालिटी पर आपको विशेष नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों प्रेम संबंधों में नजदीकी आने वाली है। पति पत्नी के संबंध में ईगो को लेकर नोक झोंक रह सकती है। आपको बता दें कि अपने दाम्पत्य जीवन में मधुर जो है मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अपने वाणी प्रश्न में रखना है और कोई भी कार्य को करने से पहले अपने जीवन साथी का सलाह अवश्य लें, ये आपके लिए यशमय बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें
कि पति पत्नी के किसी बात को लेकर नोक झोंक तो रहेंगी, किसी भी वाद विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और आप इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा भी पाएंगे। तो दोस्तों जो है गुस्से के बजाय इसमें शांतिपूर्ण तरीका का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें सर्दी से अपना बचाव रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें और इसके लिए आपको योगा और व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए।